हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे गुड्डू के बर्थडे वाले दिन भी। फिर जब वो बर्थडे वाला ब्लॉग गया था उस दिन भी आए थे कि रश्मि, जो तुमने गुड्डू के बर्थडे पर डेकोरेशन किया था और वो सामान जो तुमने मंगाया था वो कहाँ से मंगाया। पहली बात तो मैंने वीडियो में बताया था, और दूसरी बात अगर आपने वो मंगाया है तो वो कैसा निकला है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मैंने मीशो से मंगाया है, तो उन्हीं चीजों के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। हमारे घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा सभी के घरों में चलता रहता है, जैसे कि किसी की एनिवर्सरी आ रही है, किसी का बर्थडे आ रहा है, या कुछ छोटी मोटी पार्टी है, या फिर कुछ भी है, जैसे घर में नया बच्चा ही क्यों ना आया है, तो उसमें डेकोरेशन का सामान चाहिए होता है। तो मैं आज वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घर बैठे मुझे मिल गया है, मीशो से मैंने मंगाया था और मुझे 4 से 5 दिन के अंदर सारी चीजें रिसीव हो गई। तो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, और आज मैं अलग से सेपरेट वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि फिर कुछ लोग वो वीडियो मिस कर देते हैं व्लॉग में अगर जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अलग से वीडियो डाल देती हूँ। दूसरी चीज, जितना भी मैं आज आपको सामान दिखाने वाली हूँ, ये कुर्ता सेट जो मैंने पहना हुआ है वो भी, तो इसमें कुछ मुझे मीशो की तरफ से एज अ गिफ्ट या फिर बोल लीजिए रिव्यू के लिए वो मुझे रिसीव हुआ है, और कुछ सामान मैंने खुद से मंगाया है जो कि बर्थडे वाले दिन के लिए था। तो सभी मिक्स करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम डेकोरेशन से ही शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बर्थडे आइटम वाला दिखा देती हूँ। तो हैप्पी बर्थडे का आपको इसमें जो है बलून्स मिलते हैं 13 पीस में, और 2 पीस आपको स्टार में मिलेंगे, 2 पीस आपको हार्ट में मिलेंगे, और 30 पीस बलून्स आपको रेड एंड गोल्डन और सिल्वर में मिलते हैं, और ये टोटल आइटम्स आपको 45 से ऊपर का हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और सारे जो हैप्पी बर्थडे वाले ये बलून्स थे सभी जो है अच्छे निकले हैं, कोई भी ख़राब नहीं निकला है, किसी में भी छेद वगैरह नहीं निकला है, अच्छे से लग गए हैं। और इसके साथ आपको बलून्स भी काफ़ी मिल जाते हैं 30-35 के करीब, तो वो भी अच्छे से आपको मतलब कमरा भर जाएगा। आपको इससे ज़्यादा बलून्स क्या चाहिए, अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो आप अलग से भी मंगा सकते हैं। तो देखिए ये सारे बलून्स वही हैं जो इसके साथ मिले हैं, रेड सिल्वर एंड गोल्डन कलर के, और ये हार्ट शेप का है और ये स्टार शेप का है, वो 4 बलून्स अलग हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को, लॉकडाउन में बर्थडे है तो आप उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर देखिए चलिए लॉकडाउन भी धीरे धीरे खुल रहा है लेकिन फिर भी मार्केट जाना इतना अभी सेफ नहीं है, तो आप इस तरीके से मीशो से मंगा सकते हैं। और मीशो सेफ्टी पर्पज़ से सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है, उनको जैसे सैनिटाइज करना हो गया आइटम्स को, वो सब चीज़ें कर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, पीछे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ, बलून्स वगैरह सभी बहुत अच्छे थे, और ये वो है शाश का, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता है, जो गुड्डू ने डाला हुआ है बर्थडे क्वीन करके, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी आगे। वो आपने देखा बलून वगैरह जो हमने लगाए थे रूम में, और काफ़ी अच्छा रहा। अब मुझे ये था कि भाई कुछ चीज़ ख़राब ना निकल जाए, साल भर में बच्चे का बर्थडे आता है, अपना तो फिर भी चल जाता है, तो बच्चे को ये ना रहे हाँ ये चीज़ ऐसी निकल गई, तो मैंने इसलिए डबल मंगा कर चली थी मैं, तो मेरी ना ठीक निकला सारा सामान, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और साथ के साथ यहाँ पर ना आपको स्क्रीन पर वो दिख जाएगा स्क्रीनशॉट, आप वहाँ पर रेट वगैरह भी हाथों हाथ देख सकते हो अगर आप मंगाना चाहते हो, तो बाकी आप कंपेयर कर सकते हो ऐप से मीशो और दूसरे किसी और अदर और शॉपिंग ऐप देखेंगे तो आपको मीशो के रेट कम ही लगेंगे। मैंने खुद कंपेयर किया, फिर मैंने सामान मंगाया और सामान भी मुझे जल्दी रिसीव हो गया। अगर आपके यहाँ बर्थडे है और वो लगा लीजिए अब से 10 दिन बाद है, तो आप अगर आज ऑर्डर करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आ जाएगा। और हाँ, कुछ कमेंट्स आते हैं कि रश्मि सामान खराब आ गया, ये आ गया, तो रिटर्न पॉलिसी है, आप रिटर्न कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है, नंबर वगैरह दिया हुआ होता है। और हाँ, मीशो से आप रीसेलिंग भी कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपने काम करना है बिना पैसे लगाए तो आप वो भी कर सकते हैं। जो भी आपको वहाँ सामान पसंद आता है वो आप अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, और एक ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टा पे, वहाँ पे सभी ऑप्शन आते हैं, तो आप रिसेलिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो आप अपने लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपने मीशो ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी करना चाहते हो आप ऐप से, मीशो से, और रिसेलिंग या शॉपिंग वो आप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा सेट था जिसमें ये पिंक और ग्रे कलर के बलून्स हैं, ये पूरा सेट था ये वाला, और काफ़ी अच्छे हैं। ये था पैक ऑफ 50 बलून्स हैं इसमें, ये देखिए। बाकी सारे आपने वॉल पे लगे हुए देख लिए होंगे। बर्थडे का मैंने एक और मंगाया था, ये वाला मैं दिखाती हूँ आपको,
ये मंगाया था मैंने। मुझे ये था कि अगर वो ख़राब निकल गया तो मैं नहीं चाहती कि गुड्डू के लिए थोड़ा सा वो रहे, तो मैं दो मंगा कर चली थी। ये भी है एक, ये कार्ड्स की तरह है इस तरह से, तो वो आपकी मर्जी है। साथ में इधर रेट वगैरह सब आ रहा होगा स्क्रीनशॉट पे। तो ये था, और इसके लिए एक ये भी मिलती है आपको, इसके लिए इसको हैंग करने के लिए, और थोड़ा सा आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये टेप भी मिलती है, हालांकि ये चिपकने वाली टेप नहीं है, ये सिर्फ इसको हैंग करने के लिए है। तो एक ये मिल जाएगी आपको, और पूरा जो सेट होता है उसमें बर्थडे वगैरह का सबका आता है, वो अलग है। मैं लेकिन दो मंगाया था तो वो दिखा रही हूँ। ये लगाया नहीं था फिर हमारा जब वो काम कर गया। दूसरा ये आपको बहुत पसंद आया था जो गुड्डू ने लगाया था बर्थडे कल का, ये इससे क्या होता है हमारा बच्चा थोड़ा सा स्पेशल फील कर लेता है, खास तौर से लड़कियां, लड़कियों को ये सारी चीजें ज्यादा भाती ज्यादा है तो उनके लिए करनी पड़ती है। तो ये भी काफी अच्छा है। तो ये गुड्डू ने लगाया, उसके बाद देखिए बिल्कुल ठीक है, तो हमने इसको रख दिया है, नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा। तो ये है एक, और देखिए आपने देखा होगा बर्थडे वाले दिन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ऐवे ही बोल रही हूँ, आपने उस दिन देख लिया होगा चीज़ें अच्छी आई हैं, आपने यूज़ करते हुए देखा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मुझे यूज़ करते हुए देखते रहते हैं। और अगर बाई चांस फिर भी आपको शिकायत है कि हाँ भैया सामान ठीक नहीं है, तो आप तुरंत उसको कर दीजिए रिटर्न, क्योंकि 7 डे रिटर्न पॉलिसी है, उसके बाद रिटर्न भी नहीं होगा। और जैसे ही वो रिटर्न हो जाएगा, कंपनी को मिल जाएगा, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखिएगा, एकदम से नहीं मिलेंगे, जब कंपनी के पास चीज़ वापस जाएगी तब मिलेंगे। वही है ना, जब तक मेरी चीज़ मेरे पास आएगी तभी तो पैसे मिलेंगे ना, तो वो मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। तो ये तो दिखा दिया मैंने आपको डेकोरेशन का सामान, अब मैं आपको हाँ एक और है डेकोरेशन में, ये मंगाया था आपको याद होगा मैंने मनी प्लांट की पत्तियां भी मंगाई थी। क्या होता है ना, कभी कभी तीज त्यौहार हो या फिर कुछ स्पेशल दिन हो, या फिर हमारे मन में कर रहा है कि आज भी अपने घर को थोड़ा सा अलग लुक देते हैं, आज थोड़ा सा चेंज करते हैं, बोर हो गए हैं रोज का वही, तो ये चीजें बड़ी काम आ जाती हैं, छोटी मोटी होती हैं। तो मैंने मनी प्लांट का भी मंगाया हुआ है, वो मुझे अच्छा लगा, अच्छा निकला, तो फिर मैंने ये वाला भी मंगाया। ये इस तरीके का है, अभी मैंने ओपन नहीं किया है, जब मेरे घर का काम कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया है, रुक भी गया है, लेकिन कुछ काम अभी रुका हुआ है जो कि कंप्लीट होगा, बरामदे वगैरह का, फिर दोबारा से मुझे पूरे घर की सेटिंग करनी है, तो तब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से पत्तियां हैं, इनको आप बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हो, अपने वॉश बेसिन के एरिया के पास लगा सकते हो, क्योंकि घर का एक एक कोना खूबसूरत होना चाहिए, खाली आपका बेडरूम या आपका ड्राइंग रूम या आपका लिविंग रूम खूबसूरत नहीं होना चाहिए, जो आपकी लॉबी है, आपका बरामदा है, हर एक चीज़ को खूबसूरत। और ये भी नहीं है कि घर को भर देना चाहिए, घर को थोड़ा खुला ढुला भी रखना चाहिए, सामान के साथ भी भरना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के साथ डेकोरेट करना चाहिए। तो ये मैं जब दिखाऊंगी आपको, जब मैं करूंगी, अभी तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो एक ये था, अच्छा है, मैंने निकाल के देख लिया था उस टाइम पे। अब हम आते हैं कपड़ों पे। तो ये वाली जो साड़ी है आपने देखा होगा मुझे पहने हुए, अभी 4-5 दिन पहले मेरा एक ब्लॉग गया है, मैंने उसमें पहनी है ये साड़ी, और आप लोगों ने इसको पसंद भी किया है कि हाँ रश्मि अच्छी है। मुझे मैं बताऊं तो ये वाला जो फैशन था, ये वाला, ये काफी टाइम पहले चला था, और जैसा कि पिक्चर में मुझे लगा, तो मुझे पिक्चर से अगर बोले कि हाँ भाई ये वाली साड़ी, तो पिक्चर की जैसी नहीं निकली, यहाँ साइड में लग रहा होगा स्क्रीनशॉट, वैसी मुझे नहीं लगी। हाँ लेकिन ठीक है, पैसों के अकॉर्डिंग मुझे ठीक नहीं लगी। जैसे मैंने मीशो से और भी साड़ियाँ मंगाई हैं, 600 में भी मंगाई है, 7 में भी मंगाई है, तो वो मुझे उसके अकॉर्डिंग ठीक लगती है पैसों को देखते हुए, लेकिन ये मुझे पैसों को देखते हुए थोड़ी सी लगी कि हाँ भाई महंगी है इस तरीके से। वैसे आपको काम मिलेगा, पूरा जाल मिलेगा, घूम पे भी मिलेगा, पल्ले पे मिलेगा, और इस तरीके से ये आपको क्या बोलते हैं इसको, बॉर्डर है ये जो लगाया हुआ है इस तरीके से, जिसपे सीक्वेंस वर्क है, पूरी साड़ी पे सीक्वेंस वर्क है। एक साड़ी है जो कि ग्रे कलर की है, इसके साथ ब्लैक कलर का ब्लाउज दिया है इन्होंने, ये वाला जो कि पूरा सीक्वेंस वर्क से है, और शनील का फैब्रिक लग रहा है मुझे, ये इसके साथ ब्लाउज है। हालांकि अगर इसको इसके साथ अगर पहनेंगे तो शायद ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी साड़ी, रात के टाइम में कॉकटेल पार्टी है या फिर आपके बच्चे का बर्थडे है, तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे अगर इस ब्लाउज के साथ पहना जाएगा तो इस पे ये पूरे पे सीक्वेंस वर्क है, ये इसका पीस है, मैंने नहीं सिलवाया है,
इस ब्लाउज पीस को मैं अपनी गुड़िया के टॉप के लिए यूज़ करने वाली हूँ, उसका टॉप बनवाऊंगी और उसके पास ब्लैक लहंगा है तो ये उसके साथ चल जाएगा, क्योंकि आजकल इस तरह का ये जो है फैशन में है। तो ये पीस है ब्लाउज का। अब लास्ट में मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ जिसको आपने मुझे करीबन आपसे महीना भर पहले पहने हुए देखा होगा और इसको मैं 2 से 3 बार पहन चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा ड्रेस है ये धुल भी चुका है तो आप बोल सकते हैं कि आफ्टर वॉश ही मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्वालिटी वाइज चीज़ को मैं देखूँ और पैसों के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो बेस्ट चीज़ है। आप इसको मंगा सकते हैं, आप बर्थडे आइटम्स को मंगा सकते हैं, मैं खुद आपको रेकमेंड करूँगी ये सारी चीज़ें। और हाँ, जो मुझे लगता है मैं आपको साथ के साथ बोलती चलती हूँ। तो जैसे ये है तो ये मैं बोल दूंगी, और ये वाला ड्रेस जो है काफ़ी लोगों के पास आपने देखा होगा और काफ़ी ट्रेंड में है ये वाला। एक तो आजकल ये जो है ये काफ़ी अच्छा लगता है, जो इस तरीके से लटकन्स में एसेसरीज वगैरह होती हैं साथ में। तो ये आफ्टर वॉश में आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं धुला हुआ है, प्रेस भी नहीं हुआ है अभी, इसके ऊपर आयरन नहीं किया है। इस पर गोटा पत्ती है सिल्वर कलर की, काफ़ी अच्छा फ्लेयर है ड्रेस का। तो ये है और इसके साथ आपको मिलता है, फिर लगेगा पहनने के बाद जैसे कि ये स्कर्ट है, स्कर्ट की तरह इसका लुक आने वाला है, काफ़ी अच्छा रहेगा। रेयन फैब्रिक है टॉप एंड बॉटम दोनों का, देखिए कितना अच्छा फ्लेयर है, मतलब लगे पहनने के बाद आपको लगेगा कि ये स्कर्ट टाइप का है। और ये मैं बोलूँगी कि आप खरीद सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है मीशो पे आपने इसको देखा है, और अगर आप दूसरी किसी ऐप पर देखते हो तो आप कंपेयर करना प्राइस को और चीज़ वही आने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। शादियाँ वगैरह चली हुई हैं तो उसके लिए क्या होता है ना, लड़कियों को शौक तो होता ही है भाई, हमें अपनी हल्दी पे ऐसे करना है, हमें अपनी मेहंदी पे ऐसे करना है, और स्पेशल ऐसा नहीं है कि खूब सारा पैसा लगाकर ही स्पेशल बनाया जाए, आप छोटी छोटी चीज़ों को कर भी स्पेशल कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मार्केट बंद है और किसी लड़की की हल्दी है तो वो देखिए इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ट्राई करके, देखिए इस तरीके से कितना सुंदर लग रहा है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें ना लड़कियों के दिल के अरमान होते हैं कि हमें ऐसे करना है वैसे करना है, तो अच्छा लगता है। और ये इसमें आपको हाथ के लिए मिलेगा जो कि इस तरीके से है, एक मिनट, इसमें लास्टिक है, लास्टिक है इसमें, तो ये आपको फिट आ जाएगा। और अंगूठी जो है वो है एडजस्टेबल है, तो उसको आप अपने फिंगर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है, देखिए इस तरीके से, मतलब बहुत अच्छा लगेगा हल्दी वगैरह पे पहनने के लिए। और ये दूसरे हाथ के लिए है, मैं एक मिनट में पहन लेती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आराम से। ये मैंने पूरा पहन लिया है इस तरीके से, ये पूरा सेट है, और इसका भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि कितने का मिला कितने का नहीं मिला। तो 2 तो इसमें आपको हाथों के ब्रेसलेट मिल जाते हैं इस तरीके से, येलो कलर का है, इसमें रेड भी कलर है, ग्रीन भी कलर है, और एक ये मांग टीका है, ये कितना अच्छा लग रहा है ना मांग टीका, और गले का है तो, और कानों के भी हैं, ये देखिए कानों के भी इसमें आपको मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये है, और साथ में ना एक चीज़ और है, मैंने नथ भी मंगाई थी जो कि आगे आगे जैसे तीज वगैरह आती है, हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ, फिर मैं शर्मा के वो रखकर जाती हूँ किसी त्यौहार पर कि अरे यार मैं नहीं पहनती, सब क्या बोलेंगे ये वो, लेकिन मेरे को मंगाने का शौक रहता है तो ये मैंने मंगाई है। अब देखते हैं मैं पहनती हूँ कि नहीं पहनती हूँ। ये नथ है, बड़े में है काफ़ी, तो इस तरीके से है ये नथ, फिर आप अपनी शादी वाले दिन के लिए मंगा सकते हैं, और फिर आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब आपका इसको दिल करे यूज़ करने का। काफ़ी अच्छी है नथ की क्वालिटी वगैरह भी, इस तरीके से है ये नथ, कुंदन वगैरह है, मोती है, काफ़ी अच्छी है। मुझे वहाँ पे ये छोटी लगी थी लेकिन ये काफ़ी बड़े में है और अच्छी भी है, देखिए। तो ये है, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट में ये वाला ड्रेस कि ये ड्रेस कैसा है। मीशो ऐप के बारे में बता देती हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने मीशो को जो है पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ।
तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा था ना कि आप शेयर करके जो है अर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपको सामान देखना है, साड़ी वगैरह देखिए, यहाँ पे देखते हैं बेस्ट ऑफ कांजीवरम साड़ी, तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपको साड़ियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। बस आपको जो भी पसंद आ रही है, यहाँ शेयर नाउ का ऑप्शन है, आप शेयर कर दीजिए, रेटिंग्स रिव्यू ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो वो आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए ये साड़ी है, ये आपको अगर अपने लिए ख़रीदनी है तो आप इस पर क्लिक कीजिए इस तरीके से, नीचे आपको ऐड टू कार्ट करनी पड़ेगी, साइज़ फ्री करना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा ऐसे इस तरीके से। और अगर ये आपको किसी और के लिए खरीद, मतलब आपको रिसेलिंग करनी है, तो भी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने चेकआउट कर दिया है, यहाँ पे हम कैश ऑन डिलीवरी चुनेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपसे फिर से पूछा जाएगा प्रोसीड करना है, हाँ जी करना है। उसके बाद अगर देखिए ये आपने रिसेलिंग करनी है तो आपको यहाँ पे मार्जिन सेट करना पड़ेगा। जैसे ये 1107 की साड़ी है तो आप इसको 1157 कर दीजिए, आप 50 रुपीज़ आप इस पर मार्जिन सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये अपने लिए मंगानी है तो आप सीधा बस 1160 डालिए, जो प्राइस है बस वही लिखिए। और अगर आपको इसमें ये हाँ अब किसी और के लिए करनी है तो आप इसको ये कर दीजिए, यहाँ आ गया 50 रुपीज़, मतलब जो आप अर्न करेंगे, यू अर्न, आप अर्न करेंगे 50 रुपीज़, तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर बस आप फिर उसके बाद क्लिक कर दीजिए, उसके बाद एड्रेस डालना होता है, अगर आप अपने लिए मंगा रहे हैं तो अपना एड्रेस, और अगर आप रीसेलिंग कर रहे हैं तो सामने वाले का एड्रेस, उनके लिए मंगाएंगे उनके एड्रेस पे पहुँच जाएगा, अपने लिए मंगाएंगे अपने एड्रेस पे पहुँच जाएगा। कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो आपका जो कमाया हुआ 50 रुपये है, 100 रुपये है, 1000 रुपये है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। बस इतना ये सब करना होता है। मैंने आपको सामान दिखाया है, उन सभी का प्रोडक्ट कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो भी खरीदना चाहते हैं, चाहे ये पूरा सेट है ये वाला, आप वो खरीद सकते हैं, और चाहो तो आप ये ड्रेस ले सकते हो। ये ड्रेस के बारे में मैं बोलूंगी कि आप इसको वन टाइम यूज के लिए ले सकते हो, जैसे आपका हल्दी फंक्शन है तब आप इसको ले सकते हो। अगर आपको ये ऐसे लेना है कि यूज करना है, फिर आप इसको मत लीजिएगा। हल्दी फंक्शन में क्या होता है कि फिर हम शायद उस ड्रेस को रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि हल्दी वगैरह लग जाती है, और मैंने सुना भी है। तो फिर आप इसको ले सकते हो, आपको इसको थोड़ा सा अपने साइज के अकॉर्डिंग मंगा लीजिएगा, स्मॉल लार्ज जो भी आपको आता है। मैंने ये एक्सेल मंगाया है और मुझे काफी ढुल्ला आया है, खुल्ला ढुल्ला आया है, और मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लगी, क्योंकि हमने तो इसको रिपीट करना है, लेकिन ये मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी इस वाले सूट की नहीं लगी। प्लाजो की अच्छी है लेकिन शर्ट की अच्छी नहीं है, और दुपट्टा भी, जैसे मैरिड लोग वुमेन होती हैं उनको दुपट्टा थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, कम से कम 2.25 मीटर का, और ये दुपट्टा मुझे 2 मीटर से भी थोड़ा सा कम लग रहा है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, जो भी जैसे था वो सब मैंने आपको बता दिया है। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, आपको जो भी सामान लेना हो उसका आपको कोड नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मीशो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप मीशो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, अभी ये जो सामान फैला है इन सबको समेट लेते हैं, और आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।